हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायशो एजु यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें पता करना है कि कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट नंबर है। तो 1 से लेके यहाँ 7 तक, यहाँ पे 7 तक हमें कुछ सेट दिए। तो पहला हम देखते हैं, A इज अ सेट ऑफ सच दैट देयर इज अ x एलिमेंट एंड सच दैट x इज स्मॉलर देन 10। x इज अ नेचुरल नंबर। अभी यहाँ पे दो कंडीशन, एक तो 10 से छोटा है और नेचुरल नंबर भी है। हमें पता है कि नेचुरल नंबर कौन कौन से है। यहाँ पे एक के लिए मैं लिखता हूँ, एक के लिए कि नेचुरल नंबर कौन कौन से है, एक से लेके 1, 2, 3, 4 जो भी है इनफाइनाइट तक, ओके, अप टू द इनफाइनाइट। मगर यहाँ पे एक और कंडीशन है, एक्स इज स्मॉलर देन 10। तो इसका मतलब है 5, 6, 7, 8 और 9 तक ही है यहाँ पे, उसके बाद नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फाइनाइट होगा। फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, फाइनाइट मतलब क्या है, एग्जैक्टली काउंटेबल और एक समथिंग बाउंड्री है वहाँ पे, ओके। और इनफाइनाइट मतलब क्या है, उससे बाउंड्री नहीं है, हमें पता ही नहीं हो कितने हैं क्या है, हम पता ही नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो दैट इज अ इनफाइनाइट, ओके, अगणित जिसे हम कह सकते हैं। और इसे फाइनाइट मतलब लिमिटेड, या तो हम किसे के जो हमें पता है कि एक समथिंग है, कुछ ना कुछ बड़ी, भले वो बड़ी फिगर हो मगर है, समथिंग इज देयर, ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो यह इसका मतलब क्या है, जो पहला सेट है वो हम फाइनाइट है, तो हम इसे जस्ट एफ से लिखेंगे, ओके, और इनफाइनाइट के लिए आई से लिखेंगे। तो चलिए दूसरा देखते हैं, बी। बी इज अ सेट ऑफ वाई एलिमेंट सच दैट वाई इज स्मॉलर देन -1 एंड वाई इज एन इंटेजर, ओके। इंटेजर कौन कौन से हमें पता है, सभी नंबर्स मतलब 0 से लेके और पॉजिटिव सभी नंबर्स और निगेटिव सभी नंबर्स, ये है इंटेजर्स, ओके। तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, वाई इज स्मॉलर देन -1। अभी स्मॉलर देन -1 मतलब क्या है, जो हमें नंबर लाइन है, देखिए 0 से लेके यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिट, ये जो है हमारी नंबर लाइन है। अभी -1 से स्मॉलर मतलब कौन से आपके, दो लेफ्ट साइड के आएंगे, मतलब ये अभी इनफाइनाइट तक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो सेट है ये इनफाइनाइट आ गया। तो इसके सेट कौन कौन से आ गए इसमें नंबर, तो इनफाइनाइट से लेके हम कहेंगे कि -4, -3, -2, ओके, -1 नहीं है क्योंकि यहाँ पे उससे छोटा दिया है। तो ये हो गया सेट इसके लिए। तो अभी मगर ये है इनफाइनाइट निगेटिव नंबर तक, तो इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट आ गया। तो इसके लिए हम इसे लिखेंगे आई, ओके, इनफाइनाइट का शॉर्ट फॉर्म। थर्ड वन देखेंगे, सी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अभी ये क्या हो गया कि जो अपने स्कूल के अंदर 9 स्टूडेंट्स जो है स्कूल के अंदर, इसका एक सेट हो गया सी। तो ये तो काउंटेबल है ना, हमें पता है कि कितने 60 है या 90 है या 100 है या कितने सारे स्टूडेंट्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट जो है वो फाइनाइट हो गया। फाइनाइट मतलब काउंटेबल है, ओके, एक फिक्स बाउंड्री हो गई कि 100 है या तो 100 है या तो 60 है या तो 50 है, जो भी कुछ है, ओके। चौथा है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अभी ये भी सेम हो गया, जैसे कि क्लास 9 के अगर एक स्कूल में अगर स्टूडेंट्स है उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो वैसे ही है, हमें पता है कि विलेज में कितनी सारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो हम काउंट कर सकते हैं ना। तो इसके मतलब ये जो सेट का है, सेट ऑफ द पीपल फ्रॉम योर विलेज, ये फाइनाइट हो गया, ओके। तो 4 का भी फाइनाइट हो गया, 3 का भी फाइनाइट हो गया। अभी पांचवा देखते हैं, सेट ऑफ एपरेटस इन लैबोरेटरी। अभी कोई भी अगर एक लैबोरेटरी है तो उसके अंदर कितने सारे एपरेटस है, हमें ये पता कर सकते हैं हम, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो काउंटेबल है ना, एपरेटस भी कितने सारे, 10 है, 15 है, कितने, लिस्ट तो रहती है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइट हो गया। छठा है सेट ऑफ होल नंबर्स। अभी ये कुछ डिफरेंट है, होल नंबर्स मतलब क्या है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 अप टू द इनफाइनाइट, हमें ये काउंट नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर और 0 ये पकड़ के होल नंबर्स हो जाते हैं। अभी यहाँ पे लिमिट ही नहीं है कुछ, उसे कुछ कंडीशन ही नहीं है। तो ये 4 से लेके लाख है, करोड़ है, अब्ज है, कितने पता नहीं है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया ये सेट, ओके। तो 6 हो गया सेट ऑफ होल नंबर्स, मीन्स इनफाइनाइट हो गया। अभी सातवा है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, तो रैशनल नंबर्स में भी बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, मतलब जो जो पी बाय क्यू फॉर्मेट में हम कह सकते हैं या तो ए बाय बी फॉर्मेट में कह सकते हैं, मतलब जिसमें डिनोमिनेटर जो है, यहाँ पे अभी अभी हमने क्यू कहा तो क्यू इज नॉट इक्वल्स टू द 0, मतलब 0 छोड़ के कोई भी नंबर है, ओके, वेदर दैट इज पॉजिटिव और वेदर दैट इज निगेटिव। मतलब रैशनल नंबर कौन से, पॉजिटिव और निगेटिव सारे के सारे नंबर, ऐसे नंबर जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है पी वाई इन क्यू फॉर्मेट, मगर क्यू शुड नॉट बी 0। तो अभी ये भी इनफाइनाइट है, काउंटेबल नहीं है रैशनल नंबर्स, ये भी सेम लाइक होल नंबर्स या
या तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स की तरह, मगर फॉर्मेट रहता है पी बाई क्यू के इसमें। तो ये भी हो गया अपना इनफाइनाइट सेट हो गया। ओके, तो सातवां, तो यहाँ पे कितने इनफाइनाइट आ गए, तो इनफाइनाइट के लिए मैं जस्ट राउंड अप करता हूँ। ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे सिक्स है और ये सेवन्थ है ये, और बाकी के जो है वो फाइनाइट है, मतलब एक और तीन चार और पाँच, ये हो गए फाइनाइट। थैंक यू।